गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लीनियर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर फर्स्ट यूनिट में हमने टोटली लीनियर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात की थी वहाँ पे कहीं पे भी हमने सेकेंड या हायर ऑर्डर के बारे में बात नहीं की पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी क्या हमारी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनथ ऑर्डर इज दैट इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अक्कर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर पर अगर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो ये है रेस्ट पावर एन वाई अपॉन डी एक्स एन पी वन अपू सोन यहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी डेस्ट पावर एन ये फंक्शन किसके होंगे एक्स के ये एक जर्नल चीज़ बता रही हूँ भी लीनियर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर भी सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है और हायर ऑर्डर भी सेकेंड ऑर्डर क्या बताया था मैंने भी डबल डेरीवेटिव थर्ड ऑर्डर ट्रिपल डेरीवेटिव ऐसे चलती हैं अब बात ये आती है लास्ट में तो हमने कर लिया था भी या तो क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट में था या लेबलिनज लीनियर बन गया या बनोली हो गया सॉल्व किया हमने पर अगर इक्वेशन आपकी सेकंड या हायर ऑर्डर में आ जाए तो क्या करना है आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर ऑपरेटर डी ऑपरेटर डी का मतलब जैसे आपके पास टर्म है डी अपॉन डी एक्स उसको क्या पुट कर लेंगे हम डी उस केस में इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा लेट इट बी एक एग्जांपल लेते हैं उसने टर्म दी मुझे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई अपोन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो वो कहता है सॉल्व करो इसको अब इसको कैसे सॉल्व करूँ मैं अगर मैं इंटीग्रेट भी करती तो कितने कितनी बार करूँ मुझे कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे ऑपरेटर का मतलब डी अपोन डी एक्स को क्या पुट कर देंगे डी डी पर इसकी तो ऑर्डर भी था ना तो क्या बन जाएगा डी क्यू वाई हेयर डी स्केयर वाई प्लस वाई इक्ल टू ज़ीरो वाई का कॉमन निकाल लो वाई इधर जाएगा ज़ीरो बन जाएगा तो इसके आप इजीली फैक्टर बना सकते हैं चाहे इक्वेशन क्यूबिक हो चाहे इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो यहाँ तक क्लियर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है भी जब इक्वेशन आपकी सेकेंड या हायर ऑर्डर की हो पहले मुझे एक चीज़ पिछली रिमाइंड करो जब लीनियर इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की थी लेबनीज में तो वहाँ पे सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद फर्दर हम सोल्यूशन लेते थे यहाँ पे जब आपने इक्वेशन का कंप्लीट सल्यूशन लेना है तो हमें दो टर्म चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन कब होगा जब उसमें क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीगर अभी इस वीडियो में आज हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे जस्ट मैं एक बार बता दूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकलता है इस वाले पोर्शन से पर्टिकुलर इंटीगर निकलता है अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हो आपकी इन टर्म ऑफ एक्स अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीगर क्या हो जाएगा आपका जीरो यहाँ तक क्लियर इसके बाद हम बात कर रहे हैं आज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको पहले चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको लिखते हैं ए ई -E. अब बात आती है भी ऑक्सडरी इक्वेशन होती क्या है जो भी इक्वेशन आपको दी जाए द इक्वेशन ऑप्टेंड बाय इक्वेटिंग टू जीरो लिख देती हूं द इक्वेशन ऑप्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोफिशेंट ऑफ वाई इस कॉर्ड द ऑक्सलरी इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वेशन ली मैंने आ, कोई भी ले, ले लेते हैं हम हम जर्नल इक्वेशन ले, ले लेते हैं एक ये जो इक्वेशन हमने इक्वेट की ना इक्वल टू जीरो क्या है ऑक्सलरी इक्वेशन मान लो यहां पे कोई फंक्शन है एक्स का तो हमने ऑक्सलरी इक्वेशन बनानी है ऑक्सिलरी के लिए इस फंक्शन को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे इक्वल टू जीरो इक्वेशन क्या बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन उसके बाद नेक्स्ट हम इसके टर्म्स निकालेंगे रूट्स निकालेंगे जब भी क्वेश्चन आपकी क्वाड्रेटिक क्यु, क्यूबिक कुछ भी बन जाती है तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं उसके फैक्टर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते निकाले गे ना तो रूल्स है हमारे पास कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग द रूल्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका तभी निकलेगा जब आपके पास पहले इन इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस फोर आप पहले इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्पेशली क्वाडिटिक को क्यूबिक को, को कोई भी तो आपके पास रूट्स क्या क्या आते हैं रूट्स या तो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं पहला क्या है रूट्स आर इफ ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ये रूट्स हम निकाल किसके रहे हैं ऑक्सफर्ड इक्वेशन के इफ ऑल द रूट्स ऑफ द ऑक्सफर्ड इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट सेकेंड इफ टू रूट्स ऑफ द ऑक्सररी इक्वेशन आर इक्वल रियल और इक्वल कई बार होता है ना हम सॉल्व करते हैं तो रूट सेम आ जाते हैं फोर फोर थ्री थ्री माइनस थ्री थ्री थर्ड इफ टू रूट्स ऑफ द ऑक्सर इक्वेशन आर इमेजिनरी फोर्थ If two roots of the are and equal, ये चार कंडीशन बनती हैं पर इसमें हमारे लिए एक मुश्किल है जब हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं एक्स केयर प्लस फो थ्री एक्स प्लस फोर तो वहाँ पे ये टर्म नहीं मैटर करती वे एक्स की वैल्यू जो आई हम यूज़ कर देते हैं पर यहाँ पे डी क्या है आपका ऑपरेटर दैट इज़ डी अपॉन डी एक्स तो इसको लिखने का तरीका भी अलग होगा मैं पहले दो रूट्स आपको पूरे एक्सप्लेन करके बता देती हूँ भी हम टर्म्स जब लिखेंगे तो उनको वैसे क्यों लिखते हैं बाकी दो मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देती हूँ केस फर्स्ट क्या था हमारा

अब मान लो हमने इक्वेशन सॉल्व की मैंने जो जनरल इक्वेशन लिखवाई थी आपको लास्ट टाइम उसको सॉल्व करके रूट्स मेरे आ रहे हैं ये अगर आपको याद हो जब हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर निकाल लेते थे जैसे मान लो एक्स प्लस थ्री आया और एक एक्स प्लस फोर आया इज इक्वल टू जीरो तो उसके बाद हम क्या करते थे उनको अलग अलग इक्वेट करते थे ना एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो फिर टर्म्स निकालते थे सेम टर्म हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा डी माइनस एम वन वाई इक्वल टू ज़ीरो डी माइनस एम टू जीरो टू डी माइनस एम एन वाई क्वल टू जीरो यही बनेगा हम इसमें से पहले एक फैक्टर को सॉल्व करते हैं भी इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा ऑब्वियस बात है जो इसको सॉल्व करके आएगा वही बाकियों का आएगा सिर्फ यहाँ पे एम वन है तो वहां पे एम टू आ जाएगा एम थ्री एम वन ये डी हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली कंसीडर द इक्वेशन D क्या है आपका ऑपरेटर है ना दैट इज d अपॉन डी एक्स एम वन वाई इक्वल टू जीरो वाई को मल्टीप्लाई कर लो ये इक्वेशन क्या बनी आपकी दैट इज लीनियर इक्वेशन लीनियर ही बनी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लीनियर बनी लीनियर में अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो किससे करेंगे हम वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स वाई की जगह वाई तो पी की वैल्यू क्या आएगी माइनस एम वन क्यू तो है ही नहीं तो फिर जीरो ऑब्वियस बात है कॉन्स्टेंट उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए रेस्ट पावर एम वन डी एक्स क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन दैट इज एम वन एक्स उसके बाद सोल्यूशन क्या था देर फोर इट्स सोल्यूशन एस क्या था भाई वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दट इज ईरिएस्ट पावर एम वन एक्स टू क्यू क्यू हमारा ऑलरेडी क्या है जीरो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी वन नीचे है पैरों में कन्फ्यूज़ मत हो जाना पता नहीं मैम ने कैसे लिखा है ये नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव सी ई टू पावर एम वन ये आया हमारा कब अब यहाँ पे वाई वन है तो यहाँ पे भी सी वन ले लो इसी तरह अगर मैं इसका निकालूंगी तो टर्म क्या बनेगी वाई इजिकल टू सी टू ई पावर एम टू एक्स अप टू सोन तो ये सारे रूट्स आ जाएंगे पर हमने जब ये रूट्स निकाले थे चाहे आप यहाँ पे कर लो भी अगर मैं फर्दर इसका सोल्यूशन करती हूँ अगर हम करते हैं इसका d माइनस एम टू वाई का तो क्या आएगा y इजिकल टू सी टू ई रेज टू पावर एम टू एक्स ऐसे ही अगर एम एन का करूँगी सी एन ई रेज टू पावर एम एन एक्स ये सारी टर्म जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमने फर्स्ट से स्टार्ट की थी ना तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा सारी वैल्यूज को रखेंगे वहां पे वाई इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर एम वन एक्स सी टू ई रेज टू पावर एम टू एक्स अप टू सी एन ई रेज टू पावर एम एन एक्स क्लियर अगर आपको कोई डाउट हो जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ साथ में इक्वेशन है आपकी वो कहते हैं सॉल्व करो रूट्स लिखने कैसे हैं अभी डी स्केयर वाई माइनस थ्री डी वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू ज़ीरो सॉल्व करना है वाई कॉमन निकाल लो पहले वाई इधर जाएगा राइट साइड में क्या बन जाएगा आपका जीरो तो ऑक्सरे इक्वेशन क्या बनेगी ऑक्सर इक्वेशन इज उसके बाद बनाने है इसके फैक्टर बनाइए क्या आएंगे भाई मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस फोर आए प्लस माइनस करूँ तो थ्री आए दैट इज डी स्क्र माइनस फोर डी प्लस डी डी कॉमन निकल आएगा अलग अलग इक्वेट करूंगी डी की वैल्यू आ गई डी प्लस वन इक्वल टू जीरो डी माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो अब यहाँ पे ये नहीं भी ये पूरा प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करूंगी मैं डी अपॉन डी एक्स लिख के एम वन वाई सीधा देखो रूट रियल है और अलग अलग है तो ये जो वैल्यू है वन तो अभी वैल्यू हमारी ये आई डी की वैल्यू दैट इज माइनस वन और फोर तो मतलब ये एम वन की वैल्यू है अगर सेकेंड रूट की बात करें तो m2 टू की है तो इक्वेशन की क्या बनेगी हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन ई रेस्ट पावर एम वन की वैल्यू कितनी आई माइनस वन एक्स सी टू ई रेस्ट पावर फोर एक्स तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्लियर इस तरह हमने रूट्स लिखने रिलेटेड भी तीन रूट आते फाइव आ जाता तो यहाँ बनता सी थ्री ई रेस्ट पावर फाइव एक्स क्लियर इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप से बात कर लीजिए अभी नेक्स्ट करते हैं हम तो इस वीडियो में हम यही तक करेंगे अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो इसमें हमने क्या किया आज पहले तो लीनियर ऑर्डर है डिफ्रेंशल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर फिर हमने बात की कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में कंप्लीट सोलूशन के लिए क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीगल फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के रूल देख रहे हैं तो उसमें हमने फर्स्ट केस देखा इफ ऑल द रूट्स ऑफ द ऑक्सरल इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो ये वाला केस किया नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इफ़ ऑल द रूट्स ऑफ द ऑक्सरद इक्वेशन आर रियल एंड सेम ठीक है तो इसमें यहीं तक पढ़ेंगे कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू